हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। देखिए, कई बार जब हम लोग मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं वो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर उनसे काफी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन होता है टेबलेट। टेबलेट के बारे में बताइए, टेबलेट क्या चीज है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बट कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कई इन क्वेश्चन के ऊपर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो टेबलेट की डेफिनेशन भी सही तरीके से दे नहीं पाते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी नहीं बता पाते हैं, और ये काफी बड़ा एक तरीके से ब्लंडर हो जाता है, और लड़के कई बार इस वजह से भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे टेबलेट के ऊपर, उसकी डेफिनेशन के ऊपर, और साथ ही साथ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। इस वीडियो का मकसद यही है कि स्टूडेंट जो है वो टेबलेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस उनसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे उसके लिए वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टेबलेट के बारे में। तो अगर बात करें टेबलेट के बारे में तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को लेकर चलते हैं। तो देखिए, अधिकतर जब भी हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 99% लड़के जो होते हैं वो टेबलेट की डेफिनेशन देते हैं कि इट इज अ यूनिट डोजेस फॉर्म, ठीक है। बट अगर प्रॉपर वे में बोला जाए तो अधिकतर जो भी इंटरव्यू लेने वाला होता है वो आपसे जिस डेफिनेशन की उम्मीद रखता है वो होती है टेबलेट की डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोपिया। मतलब फार्माकोपिया में जो टेबलेट की डेफिनेशन लिखी हुई है उसके हिसाब से आपको टेबलेट की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि टेबलेट इट इज अ यूनिट डोजेस फॉर्म, इट इज अ सिंगल यूनिट डोजेस फॉर्म, ठीक है। इट कंप्रेस टू अ मेडिकामेंट विथ और विदाउट डाइल्यूएंट्स। ये कई बार अधिकतर स्टूडेंट इस टाइप की डेफिनेशन देते हैं, बट जो सही डेफिनेशन है उसके ऊपर बात करें तो ये डेफिनेशन जो फार्माकोपिया के हिसाब से वो मैं आपको बताता हूं। टेबलेट की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहां पर लिखी हुई है, देखिए आप, और साइड में मैं आपको स्लाइड भी दिखा रहा हूं, इधर भी आपको दिख रही होगी। तो फार्मास्यूटिकल टेबलेट आर सॉलिड, फ्लैट और बाई कॉन्वेक्स डिशेस यूनिट डोजेस फॉर्म, ठीक है। सॉलिड, फ्लैट, बाई कॉन्वेक्स डिशेस यूनिट डोजेस फॉर्म, प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग ए ड्रग और ए मिक्सचर ऑफ ड्रग विथ और विदाउट डाइल्यूएंट्स, ठीक है। तो अगर इस बेसिकली तो काफी बड़ी डेफिनेशन है, तो अगर आप चाहें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो इस जो इस डेफिनेशन है इसको याद करने के लिए अगर आप चाहें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो दो अलग अलग डेफिनेशन पढ़िए, और जब कोई भी आपसे पूछे तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट तो ये हो जाएगा, ठीक है, और एक पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप याद कर सकते हैं कि एक याद कर लीजिए, फार्मास्यूटिकल टेबलेट्स आर सॉलिड, फ्लैट, बाई कॉन्वेक्स डिशेस यूनिट डोजेस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट होगी प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग ए ड्रग और ए मिक्सचर ऑफ ड्रग विथ और विदाउट डाइल्यूएंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबलेट की डेफिनेशन याद कर लीजिए, और हमेशा ये जो डेफिनेशन है खासकर ये फार्माकोपिया वाली डेफिनेशन, इंटरव्यू के अंदर आपको यही डेफिनेशन बोलनी है। देखिए, अगर आप ये वाली डेफिनेशन बोलेंगे तो मान के चलिए कि जो अगर 10 लड़के अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो 10 में से 8 लड़के जो हैं वो ये वाली डेफिनेशन तो कभी नहीं बोलेंगे, वो तो आप उन 2% लड़कों में हो जाएंगे। या अगर 10 में से 8 गए तो 80% लड़कों ने तो वैसे ही दूसरी डेफिनेशन बोली है जो गलत है और बहुत छोटी है। अगर आप 2 लड़के भी अगर ये बोलते तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज के अंदर होता ही है कि इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वो कई बार बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछ के ही वो लड़के सिलेक्ट कर लेते हैं। और अधिकतर जो बेसिक क्वेश्चन होगा तो उसमें अगर 2 क्वेश्चन अगर वो बेसिक पूछ रहा है फार्मा से रिलेटेड, तो उसमें 1 क्वेश्चन जो होगा वो टेबलेट की डेफिनेशन होगा ही होगा। ये चीज आपको आपके दिमाग के अंदर रखनी है, और अगर उस क्वेश्चन में अगर आपने ये वाली डेफिनेशन दे दी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ टेबलेट की, मतलब टेबलेट बनाने के सबसे ज्यादा एडवांटेजेस क्या होते हैं, और क्यों फार्मा इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा टेबलेट्स बनाती हैं, और मार्केट में भी टेबलेट्स ही सबसे ज्यादा बिकती हैं। अगर आप ड्रग के दूसरे डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में टेबलेट का कंपेयर करो तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मार्केट में टेबलेट ही बिकती है एज कंपेयर टू अदर डोजेस फॉर्म। इसका क्या रीजन है तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छी चीज ये है कि इसको बनाना काफी ईजी होता है इंडस्ट्रीज के लिए, प्रिसीशन काफी अच्छा होता है, मतलब बार बार जब आप बनाते हो तो इसके अंदर डिफेक्ट्स के चांसेस काफी कम होते हैं, तो टेबलेट एक जैसी बनती है। इसीलिए ज्यादा जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो टेबलेट के फॉर्म में ही अधिकतर अपने ड्रग्स को फॉर्मुलेट करती है। उसके अलावा जो इसको बनाने की कॉस्ट होती है वो भी काफी कम होती है, उसके अलावा लाइट होती है, वजन में भी काफी कम होती है, इसकी पैकिंग करना भी काफी आसान होता है, और इसको लेना मतलब पेशेंट को टेबलेट लेने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है, इजिली उसको वो स्वेलो कर सकता है, जिसकी वजह से टेबलेट जो होती है वो सबसे ज्यादा फॉर्मुलेट की जाती है और मार्केट के अंदर सेल होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मार्केट के अंदर सस्टेन रिलीज टेबलेट, इमीडिएट रिलीज टेबलेट, और टेबलेट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं,
वो भी अवेलेबल हैं, जिससे कि ड्रग की एक्टिविटी को कम ज़्यादा किया गया है। मतलब आज की डेट में टेबलेट्स के इतने सारे अलग अलग फॉर्म्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जिससे ड्रग के जो इफेक्ट हैं वो काफ़ी फास्ट हो गए हैं। उसके अलावा टेबलेट्स के अंदर अगर कोई ड्रग जो है उसका ऑर्डर ख़राब है, मतलब उसकी दुर्गंध आती है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा, इसको हम ले नहीं सकते हैं, या उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बिटर है, कड़वा है, तो आज ऐसी टेबलेट्स की ऐसी काफ़ी टेक्निक्स डेवलप हो चुकी है जिससे हम उस टेस्ट को मास्क कर सकते हैं। जैसे कोटेड टेबलेट्स आ चुकी हैं या शुगर कोटिंग करा दी जाती है और अलग अलग फॉर्म से हम टेबलेट को ले सकते हैं। उसके अलावा अगर एज कम्पेयर टू अदर डोजेस फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें तो टेबलेट को प्रोडक्शन करना काफ़ी आसान है। अगर आप लार्ज स्केल पे अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हो तो टेबलेट को काफ़ी आसानी से आप लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर डोजेस फॉर्म। उसके अलावा टेबलेट्स जो होती है बेसिकली वो इस तरीके से बनाई जाती है कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी स्टेबल होती है, माइक्रोबियल ग्रोथ से भी स्टेबल होती है, क्योंकि वो एक कॉम्पैक्ट डोजेस फॉर्म है एज कम्पेयर टू अदर। जैसे आप सायरप का एग्जाम्पल ले लो, सायरप के अंदर शुगर का बेस होता है जिससे उसके अंदर बेसिकली माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है और बहुत जल्दी सायरप जो होता है डिग्रेड हो जाता है। या अदर डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल ले लें, उसके कंपेरिजन में जो हमारी टेबलेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। उसके अलावा टेबलेट को बनाना तो काफ़ी ईजी है, साथ ही साथ टेबलेट के अंदर हम दूसरे फिनोमिना भी कर सकते हैं। जैसे टेबलेट के अंदर आप शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, टेबलेट को आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी ईजी होता है। टेबलेट की स्ट्रेंथ के हिसाब से हम टेबलेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंपैरिजन आपको अगर 500 एमजी की टेबलेट देखनी है तो वो अलग साइज़ की दिखेगी, 100 एमजी की अलग, 20 एमजी की, 10 एमजी की, तो टेबलेट के साइज से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर ड्रग का कितना कंटेंट प्रेजेंट है। ये बहुत ही अच्छा फिनोमिना है टेबलेट का। अगर आप दूसरे डोजेस फॉर्म से कंपेयर करें तो वहाँ पर आप उसके इस ये वाला फिनोमिना आप चेक नहीं कर सकते हैं कि साइज़ के हिसाब से आप उसके अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन पता कर सकें। बट टेबलेट के अंदर एक खासियत होती है कि टेबलेट के साइज़ से हम पता कर सकते हैं कि वो किस स्ट्रेंथ की ड्रग रख रही है, कि 500 mg जो भी उसके पास कंटेंट है वो उसकी साइज से हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी सारे टेबलेट के एडवांटेजेस के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं टेबलेट के डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब हम अगर बात करें डिसएडवांटेजेस के तो इसके डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, एडवांटेजेस से डिसएडवांटेज तो कम है, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होते तो टेबलेट बनती नहीं। डिसएडवांटेज कम है बट हैं, जैसे कि एज एन एग्जाम्पल जो छोटे बच्चे होते हैं वो टेबलेट नहीं ले पाते हैं क्योंकि उसका टेस्ट जो होता है बिटर होता है, वो उसको स्वॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप छोटे बच्चों को नहीं दे सकते। उसके अलावा जो अनकॉन्शियस पर्सन है, जो बेचारा बेहोश है या मेंटली इल है, मेंटली चैलेंज पर्सन होते हैं, वो भी टेबलेट नहीं ले पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा टेबलेट्स के अंदर कई बार वो कई ऐसी टेबलेट्स भी होती हैं जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं या वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं और डिग्रेड हो जाती हैं, या कई टेबलेट्स ऐसी ऐसे फॉर्मुलेशन भी होते हैं जो कि प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, और मैंने आपको बताया कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिलेट कर जाते हैं या उसके मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, जिस वजह से हम उनको प्रॉपर तरीके से कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा कई ऐसी ड्रग्स भी होती हैं या ऐसे फॉर्मुलेशन होते हैं जिनके अंदर डिसोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, वो जल्दी से ड्रग डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं या जल्दी से डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, या वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, वेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस कंडीशन में वो ड्रग जो होती है वो उसको उनकी जो बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज होती हैं या ब्लड ड्रग कंसंट्रेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, तो इस टाइप के फॉर्मुलेशन को भी हम टेबलेट में फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कई ऐसी ड्रग भी होती है, क्योंकि मैंने अभी एडवांटेजेस के अंदर ही डिस्कशन किया था कि अगर किसी टेस्ट किसी ड्रग कोई दवाई है कोई फॉर्मुलेशन है और उसके अंदर बहुत काफ़ी कड़वी है या उसका जो ऑर्डर है जो उसकी सुगंध है वो दुर्गंध की तरह है, तो अगर आप कोशिश तो हम यही करते हैं बेसिकली कि उन ड्रग्स को बेसिकली हम फॉर्मुलेट ऐसे करें उनको कोटिंग के थ्रू या शुगर कोटिंग के थ्रू उन सब चीज़ों को हम ढक दें। बट कई ड्रग ऐसी भी होती है जिसमें हम ये सब नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके ना शुगर कोटिंग हो पाती है ना प्लास्टिक कोटिंग हो पाती है, तो फिर हमको हम उन ड्रग्स को फिर हम ऐसे कैप्सूल के अंदर फॉर्मुलेट करना पड़ता है और वाया कैप्सूल के थ्रू हमको ड्रग लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की, मतलब एक आइडियल टेबलेट क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि टेबलेट जो होगी ना हमारी जो बन के निकलेगी, जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा जो हम मार्केट से परचेस करेंगे, उसके अंदर किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब उसके अंदर किसी टाइप की क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर जैसे कई कोई बाल वाल का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, किसी टाइप की इंप्यूरिटी नहीं होनी चाहिए। और टेबलेट्स के जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं, देखिए टेबलेट डिफेक्ट एक बहुत बड़ा पोर्शन है, इसके ऊपर मैं एक अलग से सिस्टमेटिक वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये इंटरव्यू पर्पज़ के लिए, खासकर फ्रेशर्स के लिए, तो वो वीडियो आप जरूर देखना, तो उसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। बट टेबलेट्स के अंदर किसी टाइप का डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि टेबलेट्स की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेबलेट की स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं होगी
या मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हो सकता है कि हमारी टेबलेट जब पंच होगी तब वो ब्रेक हो जाए, या उसकी जब हम पैकेजिंग करेंगे तब उसके अंदर ब्रेकेज हो जाए, या जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करके शॉप तक पहुंचाएंगे, मेडिकल स्टोर्स तक पहुंचाएंगे, तो वहां पर भी वो ब्रेक हो सकती है। तो हमारी टेबलेट का जो फॉर्मुलेशन होना चाहिए वो इतना प्रॉपर होना चाहिए कि हमारी जो टेबलेट हो वो प्रॉपर तरीके से स्टेबल रहे और लास्ट तक कंज्यूमर तक पहुंचने तक उसकी स्टेबिलिटी सिस्टमेटिक वे में रहनी चाहिए। दूसरी चीज जो हम तीसरा पॉइंट जो है इसका बेसिकली वो ये है कि जो हमारी टेबलेट होनी चाहिए उसकी फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि पता चला हमने कोई ऐसा फॉर्मुलेशन डेवलप कर लिया टेबलेट का और वो फिजिकली उसके फिजिकल कैरेक्टर के अंदर प्रॉब्लम, मतलब जैसे ही हमने उसको खोला तो वो उसने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लिया, या उसको अगर हमने सनलाइट के अंदर ले लिया तो सनलाइट में वो डिग्रेड हो गई। तो केमिकली और फिजिकली हमारी टेबलेट जो होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए। उसके अलावा जो टेबलेट जो जैसे कई ऐसे टेबलेट के फॉर्मुलेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जैसे कि सस्टेन रिलीज टेबलेट, इमीडिएट रिलीज टेबलेट, ठीक है, तो उस कैरेक्टर को भी टेबलेट जो वो फुलफिल करे। कहने का मतलब है कि अगर आप सस्टेन रिलीज टेबलेट ले रहे हो 24 घंटे की तो 24 घंटे तक ड्रग रिलीज करती रहे, इमीडिएट रिलीज टेबलेट ले रहे हो तो वो जल्दी से लेते से ही डिग्रेड हो जाए जैसे एस्प्रिन होती है, तो ये कैरेक्टर टेबलेट का बिल्कुल सूटेबल होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेबलेट के अंदर वेरिएबिलिटी दिख रही है, टेबलेट जब मार्केट के अंदर आ जाए और जैसे ही हम उसको लें तो पता चला उसके कैरेक्टर ही कुछ और हो गए, इमीडिएट रिलीज टेबलेट जो है वो सही तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही है या उसके डिसोल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम टेबलेट के अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारी टेबलेट होनी चाहिए वो किसी नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, मतलब केमिकली स्टेबल होनी चाहिए। हमारी जो भी हम टेबलेट का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं वो कहीं मतलब किसी और ड्रग के साथ, पता चला आपने दो टेबलेट साथ में ली और वो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं, इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो, या आपने टेबलेट तो ले ली बट उसके अंदर कोई ऐसी केमिकल रिएक्टिविटी थी जो उसने कोई थर्ड प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया और उसके वजह से आपको कई साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट का सामना करना पड़ा। तो टेबलेट जो होनी चाहिए ना वो बिल्कुल ही केमिकली स्टेबल होनी चाहिए। देखिए फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी एक बहुत ही बेसिक कैरेक्टर है टेबलेट फॉर्मुलेशन का। तो जब भी टेबलेट को फॉर्मुलेट किया जाता है तो उसकी R&D जब होती है तो ये केमिकल स्टेबिलिटी और फिजिकल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा चेक की जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी टेबलेट को फॉर्मुलेट करने का, जो R&D करती है और उसके बाद ही टेबलेट जो होती है वो बनना स्टार्ट होती है। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि ड्रग की जो इफेक्टिवनेस होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है, मतलब ड्रग को जब फॉर्मुलेट किया जाता है तो उसका बेसिक फंडा क्या होता है। देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक और बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर 3 टेबलेट्स ली हैं और ये टेबलेट्स हैं, कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचिए कि जब हम टेबलेट को लेंगे, मतलब जब हम उसको ले लेंगे पेट के अंदर और हमारी टेबलेट आप मान लीजिए कि GIT ट्रैक में चली गई है, ठीक है, तो अब उसकी टेबलेट की जो एक्टिविटी वो किस बात पे डिपेंड करती है इसको समझिएगा, बिल्कुल ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर टेबलेट इंटैक्ट टेबलेट है, मतलब टेबलेट इंटैक्ट रहेगी, टेबलेट टूटेगी नहीं, ठीक है, जैसे कि सस्टेन रिलीज टेबलेट जो हम हार्ट के पेशेंट्स को देते हैं, एक बार टेबलेट ले लियो 24 घंटे तक ड्रग जो होगी वो धीरे धीरे रिलीज करेगी, तो उस टाइप उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इंटैक्ट टेबलेट। तो टेबलेट का जो रिलीज होगा, ड्रग रिलीज काफी लो होगा और वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जब जाएगी, मतलब यहाँ जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूड है उसमें जो ड्रग का रिलीज होगा ना वो काफी स्लो होगा, ठीक है। अब अगर हमें ड्रग जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो टेबलेट का जो ड्रग रिलीज होगा वो मॉडरेट होगा, ड्रग डिसोल्यूशन होगा। जैसे हमारी जो टेबलेट्स होती है जो 6 घंटे या 7 घंटे में हमको इफेक्ट देती है या 2 घंटे के बाद इफेक्ट देती है, तो वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में टूटती है इस वजह से, ठीक है। और अगर हमारी टेबलेट जो है वो प्राइमरी ड्रग पार्टिकल बिल्कुल पार्टिकल्स में टूट जाती है, बिल्कुल ब्रेक हो जाती है, तो वहां पर ड्रग रैपिड रेट देती है। जैसे आप एग्जांपल ले लो डिस्प्रिन, एकदम से पानी में घुलती है और टूट जाती है और बिल्कुल हमको जल्दी से असर दे देती है, तो इस टाइप की टेबलेट जो होती है वो बिल्कुल पार्टिकल में टूटती है। तो ये अलग अलग टेबलेट है वो जाती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में, उसके बाद हमारी जो बॉडी होती है वो उसको एब्जॉर्ब करती है और ड्रग जो होती है फिर ब्लड के अंदर चली जाती है और हमको इफेक्ट दे देती है। तो ड्रग को जब मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ड्रग टेबलेट को फॉर्मुलेट किया जाता है तो उस इस चीज का ध्यान रखा जाता है। और ये सब किससे पता करते हैं, डिसोल्यूशन एपरेटस से, कि डिसोल्यूशन एपरेटस ही बताता है कि अगर हमने कोई इंटैक्ट टेबलेट को फॉर्मुलेट किया है तो उसका ड्रग रिलीज कैसा है, या ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में चेंज किया है या उसको प्राइमरी, तो ये सब कौन बताने वाले हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बड़ा तो डिसोल्यूशन एपरेटस है, इसीलिए QC के अंदर डिसोल्यूशन एपरेटस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, और डिसइंटीग्रेशन एपरेटस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, यही आपको बताएगा कि आपने जो टेबलेट फॉर्मुलेट करी है, जो टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो प्रॉपरली हो रही कि नहीं हो रही है, और वही आपको बताएगा कि ड्रग का जो रिलीज रेट है वो लो है, मॉडरेट है या रैपिड है, ये आपको कौन बताने वाला है, डिसोल्यूशन एपरेटस बताने वाला है। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं डिसोल्यूशन एपरेटस के ऊपर एक सिस्टमेटिक सीरीज बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सिस्टमेटिक वे में आपको पूरा समझाऊंगा कि डिसोल्यूशन एपरेटस कैसे रन होता है, उसमें ड्रग रिलीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों तरीके से UV के तरीके से भी, वाया UV और वाया HPLC, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा।
तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बता सकते हैं कि आप ये वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा टैबलेट के बारे में कि टैबलेट की डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ टैबलेट। यहां पर मैं आप साइड में स्लाइड के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि टैबलेट्स के टाइप कितने होते हैं, कितनी टाइप की टैबलेट्स जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।